ये बात 17 जून की है। दिल्ली के महिपालपुर स्थित शिकायतकर्ता रामेश्वर सिंह के गोदाम से बिल्कुल नए एप्पल आईफोन की चोरी हो गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए श्री सत्यजीत सरीन एसीपी वसंत कुंज ने व्यक्तिगत रूप से इस हाई प्रोफाइल चोरी के मामले की निगरानी की। इसमें करीब 3.5 करोड़ रुपए के एप्पल आईफोन चोरी हुए थे। इंस्पेक्टर राजीव मलिक एसएचओ वीके नॉर्थ के नेतृत्व में एक समर्पित टीम बनाई गई। सब इंस्पेक्टर ऋषिकांत, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश, सुनील, अमित, गौरव, शक्ति और कांस्टेबल फरहान। जांच के दौरान कई सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण हुआ और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। मुख्य संदिग्ध मंदीप शिकायतकर्ता के साथ ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। घटना के बाद से वो फरार था और उसका मोबाइल फोन था बंद। पता लगा कि वो शिकायतकर्ता के वाहन में सभी बैग लेकर गया था जो जीपीएस से लैस था। इस वाहन के जीपीएस मानचित्र का विश्लेषण किया गया जो समालखा गांव में लवारिस पाया गया था। तकनीकी जांच में कुछ सुराग मिलने पर छापेमारी टीम को पंचकूला भेजा गया और वहां कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी हुई। आरोपी मनदीप सिंह को आखिरकार उसके साथी सचिन के साथ पकड़ लिया गया। इन आरोपियों के कब्जे से चोरी के 7 आईफोन बरामद किए गए। उसके बाद मनदीप सिंह के दिल्ली स्थित घर पर छापा मारा गया और उसके निशानदेही पर 311 एप्पल आईफोन बरामद हुए। इनकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए। अपराध में इस्तेमाल वाहन भी पुलिस ने बरामद कर लिए। दक्षिण पश्चिम जिले के पुलिस स्टेशन वीके नॉर्थ की टीम ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके एक सराहनीय काम किया है। डीसीपी रोहित मीना ने भी इन सब की जमकर तारीफ की है। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।